हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे से हैं बाय गॉड्स ग्रेस। और ये देख रहे हैं ना, नया है मिक्सर ग्राइंडर, प्रेस्टीज का है। मेरे पास बिल्कुल ऐसा ही एक था, आपको याद हो अगर तो। उसको मैंने एक्सचेंज में डाल के ये वाला ऑर्डर किया था ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से शायद, तो ये आज डिलीवर हुआ है। तो इसका मैं अनपैकिंग अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्पेसिफिकेशंस मैं बता दे रही हूँ, फिर मैं प्राइस बताऊंगी बाद में। ये इसका ब्रांड का नाम है प्रेस्टीज अटलास प्लस, और 3 स्टेनलेस स्टील जार है, 1 ट्रांसपेरेंट जूसर जार, और ब्लेड्स एफिशिएंट है और डिज़ाइन भी अच्छा है, अपीलिंग है, और 750 वॉट का मोटर है। जैसे हम लोग बैटर बनाते हैं ना, वैसे तो मैं पहले वेट ग्राइंडर था मेरे पास, तो डोसा और इडली के लिए मैं बनाया करती थी, पर वो थोड़ा स्टोन का है ना, बहुत हैवी निकला, तो उसको मैंने एक्सचेंज करा के फिर ये वाला ग्राइंडर यूज़ करती हूँ। तो 750 वॉट का अगर मोटर हो तो वो बैटर वगैरह बना सकते हैं। वो एक वार्निंग कॉशन देते हैं, अगर 500 वॉट में अगर लेते हैं तो मोटर सपोर्ट नहीं करेगा बैटर कुछ भी वेट से ग्राइंड करने के लिए। तो ये तो कॉमन सी बात है, किसी को पता ही होता है, जैसे होम मेकर्स हैं ना, उनको तो पता ही है, इंडियन मॉम्स और सबको पता ही होता है। तो मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये जूसर है, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट जार है, और ये फिल्टर होगा, ऐसे ऑपरेट होता है, चेक करना पड़ेगा। ये इसका मैनुअल है, प्रेस्टीज तो एक अच्छा ब्रांड है, इसीलिए मैंने पहले भी लिया था। वो मुझे 5500 में पड़ा था, 6-7 ईयर्स हो गया है ऑलमोस्ट, तो फिर भी चलता। आपने देखा ना, मैंने बहुत बार ये जो छोटा वाला जार रिपेयर किया, और जो सेवेट ग्राइंडर वाला बड़ा वाला जार भी रिपेयर किया, तो वो ना बहुत, अभी तो छोटा चलना ही बंद कर गया वो चटनी वाला जार, तो इसीलिए ऑफर में था तो मैंने उसको एक्सचेंज करा के ये लिया है। और ये ऐसे दिख रहा है, थ्री स्पीड तक है, और व्हिपिंग के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा पल्स पल्स करा सकते हैं ऐसे। वैसे अभी ये ख़राब होने से पहले और ये एक्सचेंज में डालने से पहले मैंने और भी एक मिक्सर ग्राइंडर लेके रखा है, उसका भी रिव्यू बना के रखा है, तो मैं देखूँगी इसे यूज़ करूँगी या उसे, पर इसका तो चेक करना पड़ेगा वायर वगैरह कि चलता है कि नहीं। तो ये वाला जो जार है ना, ये ड्राई ग्राइंडिंग के लिए है, स्पाइसेस टैमरिंड स्पाइसेस टर्मरिक, जैसे जो हल्दी है ना होल वाला, उसे भी पीस सकते हैं, और मसाले भी पीस सकते हैं, धनिया पीस सकते हैं, तो उसके लिए है ये। और ये इसका लिड है, तो आराम से फिट हो जाता है, ये तो ड्राई ग्राइंडिंग के लिए है, और ये मेन वेट ग्राइंडिंग के लिए है। और ये चटनी जार बहुत छोटा सा है, वो
इसका हैंडल नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे निकलता है और मैनुअल में दिया हुआ कि अगर जूस निकालते वक्त पानी की जरूरत है तो उससे खोद कर सकते। और ये जो जूसर का है ना, बहुत सारा एक साइड में दो दो ब्लेड दिया हुआ है, ज़्यादा जूस निकलेगा अगर इसको यूज करके जूस निकालेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से स्क्वीज हो जाएगा। तो ये है, ये 4 जार से ये प्रेस्टीज का, पर जैसे क्वालिटी देखने से लगता है कि बहुत सस्ता क्वालिटी है, उतना भी ये नहीं है। प्राइस अगर मेन चीज़ जो है, प्राइस अगर पूछेंगे तो 2700 ऐसे है इसका प्राइस। तो मुझे मिला, क्योंकि मैंने एक्सचेंज करा तो 2400 में मिला, और वो बहुत कम रेट में गया, 300 ऐसे कुछ में गया। तो ऐसा है इसका प्राइस, पर देखते हैं कितने दिन चलेगा, जितना दिन चलता है चलने दो। और एक स्पैचुला भी दिया हुआ है, जैसे ब्लेड्स को रिमूव करना और टाइट करना इसे बैक साइड से कर सकते हैं, और जब निकालना होता है बैटर से यूज़ कर सकते हैं ये। पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पहला वाला जैसा बहुत ऐसे अंडरस्टाल चलेगा। मेरे मायके में तो जो है वो, मैं 6th-7th क्लास में पढ़ रही थी तब पापा लेके आए थे, पर अभी भी वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ख़राब होता है पर इतने बुरी तरह से तो ख़राब नहीं हुआ, रिपेयर कर देने से ठीक हो जाता है। सुमित मिक्सर ग्राइंडर है, पर उसके हिसाब से तो ये प्रेस्टीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पर व्हाट्सोएवर, ये तो मैंने ऑर्डर किया है, देखती हूँ कैसे चलता है। मेनली मुझे ये ड्राई ग्राइंडिंग और चटनी जार की ज़रूरत थी, तो इससे तो ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगी, पर वेट ग्राइंडिंग भी अच्छा है, चलेगा। पर मुझे लगता है कि क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना पड़ेगा इससे। ये तो बड़ा वाला थोड़ा ब्रॉड जार है, लंबाई में थोड़ा कम पर ब्रॉडनेस विथ में ज़्यादा है, तो हाफ ऑफ करके इसका यूज़ करना पड़ेगा। अनबॉक्सिंग और रिव्यू, बाकी जो एक्चुअल रिव्यू रहेगा जब मैं यूज़ करूँगी तब आपको बता दूँगी, क्योंकि अभी तो हमारा प्लेस मेरा खाली हो गया है, इसको मैं कल ही यूज़ करूँगी फिर बताऊँगी आपको इसका रिव्यू इमीडिएटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एक सिंपल सा बॉयल्ड आलू से एक रेसिपी बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने, और इसमें पंचफोरन लिया जाएगा, और एक लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, फिर ये बॉयल्ड आलू को काट दिया था मैंने, और ये हरी मिर्च दो, इसे राइस और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और प्लेन सिंपल भी है और इजी भी है बनाने में, क्विक भी है, बन जाता है जल्दी से। ये बन गया है, गैस भी ऑफ कर देती हूँ। ऐसे कच्चे आलू से भी बना सकते हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा बटर मिल्क बना रही हूँ, दही अदरक और हरी मिर्च नमक डाल दिया है, इसे ब्लेंड कर दूँगी। ये साबूदाना का खीर बनाया था ना, तो ऐसे ये थिक हो गया है, फ्रिज में रख गया था, थोड़ी देर हो गया है मुझे निकाले हुए फ्रिज से, अभी मैं सर्व कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट पे ये वाला खा लेंगे हम सब। थोड़ा सा नारियल भी मैंने फ्रेश वाला कोकोनट, ये छोटा छोटा टुकड़ा करके काटे थे।